खबर शुरू होने से पहले आपके काम की जानकारी जान लीजिए। मृदुभाषी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आया है चुनावी महासर्वे, जिसमें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर चुनाव से पहले ही अपनी पसंदीदा पार्टी का चयन कर सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली जीतू पटवारी के नेतृत्व में तीसरे दिन मंदसौर जिले के शामगढ़ पहुंची। जीतू पटवारी ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर जमकर हमला बोला। दोस्तों को, भाइयों को, परिवार के लोगों को, कांग्रेस जनों को ठेंगा भी दिखाया और उनकी आत्मा का सौदा भी कर दिया। हम उपचुनाव में गए, हमने बहुत कोशिश की, उनकी बातें बताई, लोगों में आक्रोश भी बहुत था, पर शायद हम में कुछ कमी थी या उनके पास पैसा ज्यादा था, दोनों में से कुछ न कुछ तो था, जिस कारण से वो फिर विजय हुए। पर लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। सारे पत्रकार बंधु यहां बैठे हैं, मैं कभी भी उस बात को, उस भाव को, जब चुनाव नहीं हुए थे उपचुनाव, जब तक मैंने हरदीप डंग के साथ उसके खिलाफ जितना बोलना था सब बोला मैं, पर जब वो जीत गया, स्वास्थ्य की जनता ने जब मैंडेट दे दिया, जो जीता वो सिकंदर, भाव को हमने आत्मसात किया, फिर कोई नफरत, कोई घृणा, कोई छोटापन, वो हमारे विधायक है, हमारे प्रदेश के मंत्री है, इस भावना को हमने जिया और कोशिश की कि जिस भावना को लेके ये परिवार का हमारा साथी हमारा साथ छोड़ के गया है, स्वास्थ्य की जनता के हितों और इनके अधिकारों के रक्षा के लिए, तो शायद पूरा करेगा। पर मुझे नहीं पता, एक भागवत में एक साधु, एक वो पवित्र आत्मा जो भगवान की सेवा करते हैं, उन्होंने वीडियो बना के भेज दिया कि सबसे बड़ा गो तस्कर कौन है, पता रहा लोगों को? अरे किसका नाम लिया था? ये क्यों हुआ? एक साधु अगर जिसको परित्याग करता है संसार का, वो एक तरह से अपने आप को मुक्त करता है सांसारिक जीवन से, वो क्यों किसी पे आरोप लगाएगा? ये प्रश्न गंभीर है या नहीं है मुझे पता नहीं। जब हरदीप डंग मंत्री हैं और मंत्री के पास कितने पावर होते हैं मैं जानता हूं, मैंने ट्रेनिंग ली है 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद हरदीप डंग ने यहाँ के विकास के लिए उद्योग धंधे तो डाल ही दिए होंगे। अरे कहीं एक आज शामगढ़ में उद्योग धंधा डाला क्या? जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि किसान, आम जनता सहित अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है, सभी मध्य प्रदेश की समृद्धि एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। जन आक्रोश यात्रा का संसदीय क्षेत्र मंसूर दिन है, जो लगातार इससे बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। जन आक्रोश जितना बढ़ के आया है, हर वर्ग परेशान है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो। मंडी पिछले कई दिनों से बंद है, पटवारी कई दिनों से हड़ताल पे है, कर्मचारियों में असंतोष है, पुलिस विभाग के लोग भी परेशान हैं। मैं मानता हूँ, कई पत्रकार भी मुझे मिलते हैं, वो भी दुखी है। सब चाहते हैं, हर वर्ग चाहता है बदलाव, और बदलाव चाहता है मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए, बदलाव चाहता है मध्य प्रदेश में बदलाव के लिए। एक मुख्यमंत्री 20 साल, जो था उनके पास टैलेंट सब दे दिया, अब उनके पास कुछ देने को नहीं है, इसीलिए तो उनकी जो पिछले साल भर के कृत्य है, घटनाएं, व्यवहार है, वो जाने जैसा है। ये भी बांट दो, वो भी बांट दो, मिठाई भी दे दूंगा, चप्पल भी दे दूंगा, ये भी बांट दूंगा, इसको भी खुश कर दूंगा, कैसे भी बना रहूं। जन आशीर्वाद मांग रहे हैं, पर अमित शाह जी ने उनको जन आशीर्वाद में आशीर्वाद नहीं दिया, न नड्डा जी ने दिया, न मोदी जी ने दिया। जब बीजेपी के लोग उनको आशीर्वाद देना नहीं चाहते, तो जनता कैसे देना चाहती है? और ये सड़क पे भी दिख रहा है, आप देखो आज शामगढ़ में कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के आए। क्या है ये मैसेज? ये मैसेज बदलाव का है। बता दें कि कांग्रेस की 7 जगहों पर निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा में से एक यात्रा का नेतृत्व जीतू पटवारी कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। शामगढ़ से मृदुभाषी के लिए जाकिर अब्बासी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।